का मौसम कुछ और ही एक कहानी कह रहा है। बीते कुछ दिनों से मौसम विभाग की ओर से ये सूचना सामने आई है कि मौसम में बदलाव आने को है। ये बदलाव पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, साथ साथ चंडीगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बात करें, आज जो है वैसाखी है और वैसाखी पे फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि ये मौसम किस तरह से जो फसलें हैं उनको तबाह कर सकता है। इसी के मद्देनज़र आज हम चंडीगढ़ के मौसम विभाग में पहुंचे हैं और यहां पर मौजूद हैं ए के सिंह जी। उनसे जानते हैं कि जो हरियाणा है और पंजाब है, वहां पर जो मौसम के हालात हैं वो कैसे रहने वाले हैं, कहां पर ओले पड़ सकते हैं और कहां कहां जो तेज़ बारिश है वो हो सकती है। देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि गर्मियों के सीज़न की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, तो यूजुअली अब जो है धीरे धीरे आपको गर्मी बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है कि एक ऐसा पैटर्न है जिसको कि हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। ये अचानक आकर हमारे वेदर को डिस्टर्ब करता है और ख़ासकर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के जो पार्ट हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आता है, उसको कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपको वेस्ट यूपी हो गया, या फिर आपको J&K हो गया, उसको ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता रहता है। ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होता है जिसका कि प्रिडिक्शन संभव नहीं है, जस्ट उसका मॉनिटरिंग ही संभव है। तो हमने 3-4 दिनों पहले ही एक ऑब्जर्व कर लिया था कि आपको वेस्टर्न डिस्टरबेंस, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने वाला है, जो कि आपको पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन के स्टेट्स के, इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ भी शामिल है, कि वेदर को डिस्टर्ब करने वाला है। हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि 13 और 14 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको थंडर रहेगा, लाइटिंग भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, बारिश भी होगी और कुछ पार्ट में आपको हेल भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है और आज जैसे हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन है और आप इस तरीका से देख सकते हैं, ये हमारा सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है। सैटेलाइट इमेज में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि पूरा पंजाब और हरियाणा के कुछ पार्ट को छोड़कर पूरा पंजाब, हरियाणा आपको बादलों से घिरा हुआ है। उसी तरीका से जैसे हम रडार पिक्चर में भी जाए आप देख सकते हैं कि रडार पिक्चर क्लियर कर दिखा रहा है कि आपको इस तरीका से झज्जर हुआ, रोहतक हुआ या फिर भिवानी हुआ, इस सब पार्ट्स में आपको अब जो है वेदर की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। जो भी आपको रेड और ये पार्ट दिखा रहे हैं, येल्लो पार्ट आपको दिखा रहे हैं, वो हाईली सेंसिटिव जोन है, वो आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर थंडर और लाइटनिंग की एक्टिविटी हो रही है। तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको वेदर जो है टर्न लेने वाला है, थंडर और लाइटनिंग की घटनाएँ होंगी, बारिश होगी और इसके साथ कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं, वो अब शुरुआत हो चुका है और ये कल भी कंटिन्यू रहेगा, परसों से इसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये थे मौसम विभाग से ए के सिंह जी, जिन्होंने मौसम के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें